आप अपने दोस्तों के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन आज हम आपको जो स्टोरी बताने वाले हैं, उसने तो परिवार के साथ साथ पुलिस की भी नींद ही उड़ा दी है। सुनकर आप भी हैरान है ना। मध्य प्रदेश में रहने वाले बिल्डर का हाल भी कुछ ऐसा ही था। दोस्तों और जरूरतमंदों के लिए 46 लाख रुपए का तोहफा देना, वाकई ये अनोखा मामला पहली बार लोगों ने सुना तो सबके होश उड़ गए। दरअसल मध्य प्रदेश में एक जाने माने बिल्डर है जिनका बेटा 10वीं क्लास में पढ़ता है। बिल्डर के बेटे ने तो वह कर दिखाया जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, खुद पिता ने भी नहीं सोचा होगा। रेंडश डे के दिन पहली बार दोस्तों को किसी ने इतने महंगे तोहफे दिए होंगे। बिल्डर ने बताया कि बेटे ने जिन लोगों में 46 लाख रुपए उड़ाए उनमें दिहाड़ी मजदूरी करने वाले दोस्त शामिल थे, जिसे बेटे ने 15 लाख रुपए दिए। होमवर्क करने वाले एक क्लासमेट को 3 लाख रुपए दिए। उसके स्कूल और कोचिंग में पढ़ने वाले करीब 35 साथियों को स्मार्टफोन्स मिले तो क्यों को उसने चांदी की चेन बांटी। उसने क्लास में पढ़ने वाले हर स्टूडेंट को पिता के इन पैसों से कुछ न कुछ बांटा। बिल्डर ने पुलिस को बताया कि उसने हाल ही में हुए एक सेल से मिले 60 लाख रुपए अलमारी में रखे थे। अलमारी से पैसा गायब होते ही उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी, लेकिन चोरी का कोई मामला सामने नहीं आया। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि बिल्डर के बेटे ने कैश निकालकर अपने दोस्तों, क्लासमेट्स और पड़ोस में रहने वाले जरूरतमंदों को बांट दिए हैं। हालांकि पुलिस पैसे वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लड़के के पिता ने उन्हें स्टूडेंट्स की लिस्ट दी है और पुलिस उन सभी से संपर्क करेगी। वहीं दिहाड़ी मजदूर का बेटा रकम मिलने के बाद से गायब है। ज्यादा रकम पाने वाले 5 स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को बुलाकर 5 दिन में पैसे वापस करने को कहा गया है।